नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची। अरुणाचल प्रदेश में जब से नीतीश कुमार की पार्टी के 6 विधायकों का टूट का मामला सामने आया है, तब से बिहार की सियासत तेज हो गई है। बता दें, विपक्ष जो है एक मौका नहीं छोड़ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देने का। बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को तो खुलेआम ऑफर कर दिया और दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाया है, तो वहीं हसनपुर विधायक कहां पीछे रहने वाले थे। तेज प्रताप यादव ने भी आज नीतीश कुमार के बारे में बहुत कुछ कहा और उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को नसीहत ही दे डाली। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, आप खुद सुनिए। विधायक जो है बीजेपी में शामिल बने ठीक रहते, क्या लगता है कि बिहार में दूसरा घटना घटेगी? देखिए, शुरू से तो इनका सफाया हो रहा है और वहाँ से तो शुरुआत हो ही गया है। अब बिहार भी बहुत जल्द इनका सफाया हो जाएगा। बिहार अरुणाचल में 6 जदयू विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उसको लेकर जेडीयू पूरे तरीके से खंडित हो चुका है, टूट चुका है। नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया, बहुत गलत फैसला लिया। खुद अपने पीठ में छुरा मारने का काम किया खुद अपने। दरअसल राजद सुप्रीमो के बड़े लाल आज रांची पहुंचे लालू प्रसाद यादव से वहां पर मिलने के लिए। उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा और कहा कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू की खात्मा होने का शुरुआत हो चुका है, वैसे ही बिहार में भी नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को एक चेतावनी दे दी है और यहां तक कहा है कि जेडीयू का बिहार में खात्मा हो जाएगा, जेडीयू जो है खंडित हो जाएगा बिहार में। आपको बता दें इसी के साथ साथ कि आज का दिन जो है शनिवार का दिन लालू प्रसाद यादव के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि आज के दिन उनसे 3 लोग जो है मिल सकते हैं। इसी कड़ी में पिछले शनिवार को लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव उनसे मिलने पहुंचे थे और आज उनके बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव उनसे मिलने रांची पहुंचे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।